नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया गर्मा गर्म ताज़ा कंपैरिजन। एक तरफ है दोस्तों वीवो Y31, वहीं इसको हम कंपेयर करेंगे ओप्पो के लेटेस्ट लॉन्च ओप्पो A53s 5G से। दोनों ही फ़ोन दोस्तों अपने आप में हॉट सेलिंग है और जल्दी मिलते भी नहीं, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं भैया जी, गुस्सा मत कीजिए, आप आगे वीडियो देखिए। तो दोस्तों दोनों की प्राइसिंग लगभग लगभग सेम टू सेम है और सेम टू सेम रेंज में आते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा फीचर और स्पेसिफिकेशन में। तो दोस्तों कंपेयर करेंगे डिस्प्ले कैमरा प्रोसेसर को और जानेंगे इनके बेस्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों कंपेयर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। और भैया आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, भाई बंदे वाली बात है। दोस्तों बात करते हैं वीवो Y31 की। तो 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लगभग सेम साइज़ में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ओप्पो का भी एक तरफ रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस का वीवो में, वहीं दूसरी तरफ को पैसा बर्बाद पहन चोद। पता नहीं भाई, 15,000 रुपये के 5G फ़ोन में भी वीवो अभी भी 720p यानी HD डिस्प्ले यूज़ कर रहा है। कोई बात नहीं, इतना सह लिया है ये भी सह लेंगे। तो दोस्तों 8.38mm थिकनेस देखने को मिलेगी वीवो Y31 में और 8.4mm थिकनेस है ओप्पो A53s में। एक तरफ वेट है 188 ग्राम का, दूसरी तरफ वेट है 190 ग्राम का। दोनों ही स्मार्टफोन 20:9 एस्पेक्ट रेशियो पे काम करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई डिस्प्ले के मामले में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है यहाँ पे वीवो। सुपीरियर इन द सेंस कि मतलब HD के मुकाबले आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिल रहा है और काफ़ी बेहतर क्वालिटी मिलेगी। अब भैया बात कर लेते हैं कैमरे की। देख लिया डिस्प्ले में तो भैया काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वीवो। क्या यहाँ पे टक्कर दे पाएगा कैमरे में ओप्पो? तो एक तरफ दोस्तों प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, जबकि दूसरी तरफ केवल 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अलग अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल मिसिंग नज़र आएंगे। और दो अननेसेसरी कैमरे जो कभी शायद आपने भी यूज़ ना किए हों, जैसे डेप्थ लेंस और मैक्रो लेंस, तो दोनों ही यहाँ पे दो मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे। इसकी जगह पे भैया अल्ट्रा वाइड ही दे देते तो बहुत बेहतर होता। चलो बात करते हैं दोस्तों सेल्फी कैमरे की। तो सेल्फी कैमरा यहाँ पे एक तरफ देखने को मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का, जबकि दूसरी तरफ देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे कैमरे के मामले में भी वीवो Y31 आ गया है, क्योंकि बेहतर रेजोल्यूशन दे रहा है। तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ खास आपको नया और पुराना मिल रहा है प्रोसेसर में। तो एक तरफ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 2 GHz के ऑक्टाकोर पे वर्क करता है स्नैपड्रैगन 662, 5000 mAh की बैटरी के साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी वीवो Y31 में। बात कर लेते हैं ओप्पो की। तो यहाँ पे आपको एक MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसकी क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो 2.2 GHz का प्रोसेसर है जो वर्क करता है MediaTek Dimensity 700 पे। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 10W की नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो फर्क 4G और 5G का है, स्पीड लगभग सेम टू सेम मिलेगी, क्योंकि अभी इंडिया में 5G नहीं है तो प्रोसेसर भी लगभग यहाँ पे सेम टू सेम मिलने वाले हैं। मतलब हालांकि आपको थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क ज़रूर आएगा यहाँ पे परफॉर्मेंस में, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खास फ़र्क आएगा नहीं। हाँ, जबकि 5G आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा ओप्पो A53। बात कर रहे थे दोस्तों एडिशनल फीचर की। तो एंड्रॉयड 11 दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। बात की जाए यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी की, तो मतलब पिक्चर क्वालिटी लगभग दोनों ही फ़ोन में ठीक ठाक नज़र आएगी। हालांकि रेजोल्यूशन आपको वीवो Y31 में काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, क्योंकि मेगापिक्सल भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हैं। एक अच्छी बात जो वीवो Y31 में देखने को मिलेगी, इससे आप HDR वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो मतलब काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होती है खासकर नाइट में। यहाँ पे ओप्पो की अच्छी बात ये कि ये आपको डुअल सिम 5G देता है, दोनों स्लॉट में आप 5G यूज़ कर सकते हो, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तब होगी जब इंडिया में 5G आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों दोनों की लुक मतलब प्रीमियम है, ग्लॉसी फिनिश के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं। ट्रिपल रियर कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन में है। बात करते हैं दोस्तों इनकी प्राइसिंग की और रैम और मेमोरी की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वीवो Y31 की। तो 16,490 रुपये वाला स्मार्टफोन है, 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में। वहीं यहाँ पे 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में 15,000 रुपये का है ओप्पो A53s। कुल मिला के लगभग 1,000-1,500 रुपये का फ़र्क है, लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है बस वो 5G का डिफरेंस है। वो भी डिफरेंस ही क्या होगा, अगर इंडिया में 5G आएगा तभी वो एक बेनिफिट है, नहीं तो ओवरऑल सेम है। यहाँ पे दोस्तों वीवो Y31 एक बेहतर ऑप्शन लग रहा है फीचर्स के मामले में। बाकी आप अपना बुद्धि इस्तेमाल करके अपनी राय कमेंट में पेश कीजिए। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हों तो भाई सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के दोस्तों वीडियो में इतना ही।
till I get up.